जंग लड़ने के लिए सीख रहा हूँ, सच बोलने के लिए चीख रहा हूँ। जंग लड़ने के लिए सीख रहा हूँ, सच बोलने के लिए सीख रहा हूँ। आवाम मुझे नहीं जानता, अपनी कहानी बताने के लिए लिख रहा हूँ। आवाम मुझे नहीं जानता, अपनी कहानी बताने के लिए लिख रहा हूँ। जो मैं अब अगला नज़्म पढ़ने वाला हूँ, उसमें जो रेप हो रहा है उसी के चलते मैं एक नज़्म लिखा हूँ। जो जितने भी नारियाँ हैं, बेटियाँ हैं, उन्हीं का दर्द को मैं अपना एक नज़्म बनाया हूँ। उन्हीं को एक आवाज़ देने का कोशिश कर रहा हूँ मैं कि बेटियों और नारियों का जिस्म से खिलवाड़ होता है, एक साल में यौन शोषण 32,000 का पार होता है। बेटियों और नारियों का जिस्म से खिलवाड़ होता है, एक साल में यौन शोषण 32,000 का पार होता है। अब दरिंदों को किसी से डर नहीं लगता, क्योंकि हर 15 मिनट में यहाँ बलात्कार होता है। अब दरिंदों को किसी से डर नहीं लगता, क्योंकि हर 15 मिनट में यहाँ बलात्कार होता है। अब तो सुनने के लिए है देश का संविधान, कैसे कहूँ कि अपना देश है महान। अब तो सुनने के लिए है देश का संविधान, कैसे कहूँ कि अपना देश है महान। जीते जी या मर रहा इंसानियत, लूटा जा रहा है बेटियों नारियों का सम्मान। जीते जी मर रहा है इंसानियत, लूटा जा रहा है बेटियों नारियों का सम्मान। सोचता हूँ तो रूह काँप जाता है, आँखों से आंसू निकल आता है। सोचता हूँ तो रूह काँप जाता है, आँखों से आंसू निकल जाता है। सरकार के नाकामियों के कारण आज ऐसा काम हो पाता है। सरकार के नाकामियों के कारण आज ऐसा काम हो पाता है। सच का साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं होता, क्योंकि हर 15 मिनट में यहाँ बलात्कार होता। सच का साथ देने वाला कोई तैयार नहीं होता, क्योंकि हर 15 मिनट में यहाँ बलात्कार होता। राजनीतिक घराना बचाने में अपना अपना विरासत, जुल्म को रोकने के लिए कोई नहीं करता शिकायत। राजनीतिक घराना बचाने में अपना अपना विरासत, राजनीतिक घराना बचाने में अपना अपना विरासत, जुल्म को रोकने के लिए कोई नहीं करता शिकायत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बस एक नारा रह गया, हुकूमत करने वाला भी कर रहा है झूठी सियासत। हुकूमत करने वाला भी कर रहा है झूठी सियासत। बढ़ रहा है जुल्म का रफ्तार, पूछता है अवाम कौन है गुनहगार। बढ़ रहा है जुल्म का रफ्तार, पूछता है अवाम कौन है गुनहगार। मासूम मासूम बिटिया हर दिन दरिंदों का हो रहा है शिकार। मासूम मासूम बिटिया हर दिन हो रहा दरिंदों का शिकार। अगड़ा जो बंद है, जो एक ऐसी यूपी में एक ललितपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक बेटी का बलात्कार करके जो वहाँ थाना प्रभारी है वही लोग कर दिया था। तब इसीलिए वर्दी वालों के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कुछ अगला पंक्तियाँ। अब पहरेदारों से भी डर लगता है, अब सुशासन का शासन नहीं चलता है। अब पहरेदारों से भी डर लगता है, अब सुशासन का शासन नहीं चलता है। रक्षक ही बन गया भक्षक, रक्षक ही बन गया भक्षक, अब वर्दी में छुपा भी राक्षस रहता है। रक्षक ही बन गया भक्षक, अब वर्दी में छुपा राक्षस रहता है। न जाने कितने माओं कितने बेटियों का तिरस्कार होता है, हर 15 मिनट में यहाँ बलात्कार होता है। न जाने कितने माओं कितने बेटियों का तिरस्कार होता है, हर 15 मिनट में यहाँ बलात्कार होता है। एक जो मैं शेर को जो मैं कि शायर को जो फॉलो करता हूँ, उसका एक शेर पढ़ना चाहता हूँ कि सच बात का पैरोकारी है, सौ झूठ पर सच एक भारी है। सच बात का पैरोकारी है, सौ झूठ पर एक सच भारी है। हर दौर में सच का साथ रहे, यही शायर का जिम्मेदारी है। तो मैं अपना जिम्मेदारियां देखते हुए फिर एक अगला शेर है। बेटियों नारियों का सपनों को मिले सम्मान, तब जाकर आगे बढ़ेगा हिंदुस्तान। बेटियों और नारियों को सपनों को मिले सम्मान, तब जाकर आगे बढ़ेगा हिंदुस्तान। बेटियों को भी बेटा समझा जाए, तब देखना छू लेगा आसमान। कि जब मेरे बाजुओं में जोर होगा, हर तरफ शोर ही शोर होगा। जब मेरे बाजुओं में जोर होगा, हर तरफ शोर ही शोर होगा। मेरे हाथों का लकीर देखकर फकीर ने बोला, एक दिन तेरे हाथों में बागडोर होगा।